लड़का चाहिए शादी के लिए जो इनसे शादी करे और उस समय को बच्चा भी चाहिए। अच्छा मतलब तीन साल करेंगे। अच्छा एक साल तक आपको बात रहेगा, आपको बच्चा चाहिए और वो इनसे शादी करेंगे। अच्छा तो मतलब करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कॉल करे 98-11 और काला कैसा भी हो बस कमाता हो। लड़का मेरे को प्रेग्नेंट करेगा, अच्छा का चेक मतलब जो भी लगता है प्रेग्नेंट करने का 10 लाख का चेक मिल रहा है। ये आपको घर दिख रहे हैं, ये सारे मेरे पापा के हैं। हाँ, इसके बाप तो जैसे अंबानी के औलाद है ना, सारे घर इसके बाप के हैं। कितना लूट रहे हैं लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ, मैरिज ब्यूरो वाले कैसे आपको फंसा रहे हैं या छोटे मोटे यूट्यूबर आप लोगों को कैसे रिझा रहे हैं, अपने नए नए मैरिज ब्यूरो के नाम रख के नई नई चीजें दिखा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्रेलर देखा, अभी मैं पूरी फिल्म दिखाता हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों से आप लोगों को बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो लोग लड़कियों का वीडियो बनाकर आपको रिझाने का काम कर रहे हैं। पीछे से लड़की बोलती है कि मेरे को शादी करनी है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। अभी मैं प्ले करता हूँ एक वीडियो। अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अमीर नहीं चाहिए ज्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, काला हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी हो ठीक है, बस घर पे रहे, घर देखे। इतना तो चाहिए नहीं कि मैं घोड़े पे आए, मुझे राजकुमार चाहिए जी। ये जो भी आपने वीडियो देखा, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस है, मैं अभी आगे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इन लोगों से आप लोगों की बचने की जरूरत है, अगर आप नहीं बचेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप खुद सोचो कि कोई भी अच्छे घर की लड़की अपना वीडियो खुद से बनवा करके यूट्यूब पे क्यों डलवाएगी। फोटो तक तो समझ में आता है, चलो ठीक है फोटो देख करके लोग बात कर लेंगे, लेकिन वीडियो बना करके डाल रही है। एक और वीडियो देखो आप। जो मुझे लेकर के लॉयल हो, जिम्मेदार हो, ज्यादा कमाता ना भी हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 रोटी रूखी सूखी खा कर भी उसके साथ में गुजारा कर लूंगी, लेकिन धोखेबाज ना हो, जो चीज मेरे पति ने मेरे साथ में की वो चीजें ना करे, कहीं से भी हो मैं उसके साथ में एडजस्ट कर लूंगी, चाहे वो मुझे छोटी से छोटी जगह में रखेगा, वहाँ भी मैं खुशी खुशी से रह लूंगी, बस मुझे और मेरी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर मिल सके बस। आपने देखा अभी, अगर आप इस टाइप के वीडियोस में फंसते हो, आजकल बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले यही काम कर रहे हैं कि बाहर से लड़कियों को लोगों को हायर कर रही हैं, 1,000-2,500 रुपया देते हैं, उनको बोलते हैं कि वीडियो बनाओ मेरे साथ, शूट करो, ऐसी वीडियो शूट करो कि लोगों को लगना चाहिए रियल ये आपकी रिश्ते की बात है। और उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी लड़कियां बेकार होती हैं, उन लोगों को कोई भी काम दो आप करने के लिए वो काम करेगी पैसे के लिए। ये उनकी ये रोजी रोटी का सवाल है, मैं उस पर कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को बचने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, एक और वीडियो देखो। मेरी शादी हो, मुझे और मेरे पापा को रख सके, अच्छा। क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती, ठीक है तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 30-40,000 मेरी सैलरी है। अगर परेशान मत हो, देखो आज तक आपने अपनी बेटी, ये भी आपने वीडियो देखा, ऐसी ऐसे वीडियो बना बना करके अच्छे अच्छे लोग आपको फंसा रहे हैं। आप खुद सोच करके देखो कि कोई लड़की 10 लाख दे रही है, 20 लाख दे रही है, 50 लाख दे रही है, और वो कैमरे के ऑन कैमरा आकर के सामने बोलती है। फोटो तक तो बहुत सही है, चलो मैं मानता हूँ, चलो फोटो आदमी देखकर अट्रैक्शन होता है, बात करते हैं, लोगों को पसंद आता है प्रोफाइल, तभी आगे बात बनती है। लेकिन वीडियो बना करके डाल रहे हैं भाई। अभी एक घर वाला प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको, जिस महिला ने अपने घर पे ही बुला लिया सीधे। भाई साहब, हस्बैंड की डेथ हो गई है और डिवोर्सी भी है ये, और इसने मंगलसूत्र भी पहन रखा है। अरे यार झूठ बोलो यार, तरीके से झूठ बोलो, इतने भयानक इन लोगों ने झूठ बोला। देखो मंगलसूत्र है गले में, और ये मैडम आपने देखा ये महिला गले में मंगलसूत्र पहनी हुई है, अपनी बातें कर रही है कि मेरे पति बोलती है कि पहले विधवा है, फिर बोलती है कि मेरे पति से डिवोर्स हो गया, और गले में मंगलसूत्र पहन करके बढ़िया बढ़िया झूठ बोल रही है। एक और वीडियो दिखाता हूँ माँ और बेटी का। पापा की डेथ हो गई और इन मैडम ने भी गले में मंगलसूत्र डाल रखा है। जो लड़का आपकी बेटी से शादी करेगा यहाँ पे रहेगा। हाँ देखो देखो देखो, कितने का नोट है मैडम, 20 का या 200 का नोट है? पैसे से नहलाना है तो 500 का नोट यूज करो, 2000 वाला तो बंद हो गया। चलो कोई नहीं, रखो इनको। और भी है। पर्स देख रहे हो आप, जो इनका पर्स है घर का, उस पे आप गौर करो, इनके जो पर्स है वो टाइल्स कैसी है, लग रहा है जैसे कोई सार्वजनिक वाले स्तर पे इन लोगों ने कोई रूम बुक किया है 1,000-2,000 रुपए में, और वहाँ पे है ये होटल का कमरा है। ये पैसा ही पैसा, लेकिन 200 की नोट है, उससे ऊपर नहीं है। ये जो माँ और बेटी का भी आप लोगों ने वीडियो देखा, इसमें उनकी जो माता जी है, पहले तो ये बोलती है कि उनके पति नहीं है, उन्होंने भी मंगलसूत्र पहना हुआ है,
और उनकी जो बेटी है उनके ऊपर नोटे उड़ा रही है। वे कितने के? 200 रुपए के। या मुझे तो लग रहा था हाँ 200 रुपए के नोट ही थे, हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो सचमुच में करोड़पति अरबपति औरत है तो आपने उसका घर देखा, वो कमरा लिया है किराए पे और उसके बाद उस वीडियो को शूट किया है लोगों ने और नोट ऐसे उड़ाए जा रहे हैं प्लास्टिक में निकाल करके। अबे ब्रीफकेस रख लेता, बैग रख लेता यार, भगल में वीडियो ही बनाना था तो। अरे ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसी कहानी एकदम रियल स्टोरी बना करके दिखा रहे हैं आप लोगों को कि लड़का है मैरिज ब्यूरो वाला है, उसके यहाँ जा रहा है, बातें कर रहा है, मैडम से अप्रोच कर रहा है कि मैडम आपने हमें बुलाया था, बताइए क्या जानना चाहते हैं, आपको कैसा रिश्ता चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुंडी ठकठका करके आपकी जेबें ढीली कर देंगे। भाई साहब बच के, खासकर ये जो वीडियोस वायरल करके जो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, जो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इन लोगों से सतर्क रहिए। मैंने पता भी नहीं चलेगा भाई साहब कोई ढंग की लड़की भी नहीं है, अगर गलती से शादी ब्याह अगर करवा दिया तो पता चलेगा कि पूरा माल लपेट करके भाग भी गई। इससे अच्छा है एक अच्छे मैरिज ब्यूरो के पास जाइए, वहां से रिश्ता लीजिए, सारी चीजें सोचिए समझिए, उसके बाद आप अपना आगे का कदम बढ़ाइए। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक किसी नए रिश्ते के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।